महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खाड़ी में नहाने गए बच्चे की डूबने की वजह से मौत हो गई है, जिसके वजह से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। ये पूरी घटना दीवा में हुई है। बुधवार की दोपहर में दीवा के रहने वाले अमन रमेश गुप्ता 14 साल, आयुष यशवंत नागरे 12 साल और कार्तिक अरुण नाइक 15 साल, ये तीनों साबे गांव खाड़ी में नहाने के लिए गए थे, मगर नहाने के दौरान कार्तिक गहरे पानी में चला गया, जिसकी वजह से वो डूब गया। और इसकी सूचना जैसे ही मनपा आपदा प्रबंधक विभाग और एनडीआरएफ और अग्निशमन दल को मिली, तत्काल खाड़ी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और खाड़ी से आखिरकार 15 साल के कार्तिक का शव बरामद किया गया। कार्तिक के शव को मुंब्रा पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इसे कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुंब्रा पुलिस इस पूरे मामले की आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।